अस्सलाम वालेकुम, मैं शाह शिल्पा खुशामदी बात करेंगे। मैं रहूँ कि एपिसोड में 55 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, वही मेर भी वहाँ से चला जाता है। दूसरा उमेर के पास आता है और सारी हकीकत उसे बताता है, और जोया जेल की हवाओं के खारिज होती है। वहीं पर वो काफ़ी परेशान होता है और उस उमेर के सब कुछ क्या हो रहा है। आने वाले एपिसोड में देखेंगे। साथ उसे कहता है कि मुझे एक मौका दो, तो उसे कहती है कि नहीं, मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी को नहीं करना चाहती, मैं अपनी ज़िंदगी को अब अजाब में नहीं डालना चाहती हूँ। वहीं पर आती है उसकी माँ और आके सब कुछ बताती है कि मैंने कभी साद और जायरा को एक साथ देखा ही नहीं, मैं तो सिर्फ चंद पैसों के लिए बिक गई थी। वो उससे पूछता है कि आखिरकार आपको पैसे किसने दिए, तो उसे कहती है कि तुम्हारे बाप ने। वहाँ पे उमेर को और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। वहीं पे वो जायरा के पास जाता है और उसको सारी हकीकत बताता है कि उसकी माँ का कत्ल किसने किया और कैसे हुआ। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी कि आखिरकार मेरी माँ का कत्ल हुआ, मैं ये चीज़ कभी भी नहीं भूल सकती। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में आखिर क्या होगा, क्या ये इनका रिश्ता रहेगा या फिर इनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, क्या वो साद को मौका देगी दूसरा, या फिर वो उमेर को माफ़ कर देगी। आपको क्या लगता है, अभी अपनी रिकमेंट के ज़रिए जो दीजिएगा।